Hello and welcome peoples, this is your anchor Anjaneya S. Roy and you guys are watching me Starlet Entertainment and I'm back here again with another interesting update from the world of television. खबर है जुनूनियत को लेके जो कि कलर्स टीवी पे आता है. काफी लंबे समय से जो शो की टीआरपी रेटिंग्स हैं वो काफी नीचे चल रही थी, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था शो. लेकिन अभी जुलाई में उसका जो टाइम स्लॉट चेंज हुआ, 8:30 से 9:30 का प्राइम स्लॉट मिल गया जुनूनियत को, जिसमें कि काफ़ी अच्छी खासी इंगेजमेंट आ गई शो को और काफ़ी ज़्यादा फैंस पसंद करने लगे. तो जो जहान का कैरेक्टर है शो में जुनूनियत में, जो कि अंकित गुप्ता प्ले करते हैं, जो कि बिग बॉस के सीजन 16 में रहे हैं प्रियंका चार चौधरी के साथ, तो वहाँ पर टीम अप थे, काफ़ी अच्छी खासी बॉन्डिंग लगी थी उनको लोगों की. तो अंकित गुप्ता का जो कैरेक्टर है जहान का, उसको उस पर जो फैंस हैं जो कि जुनूनियत के फैंस हैं, उनका ऐसा कहना है कि जो जहान है बहुत ज़्यादा रोता रहता है, ही क्राइंग अलॉट, हमेशा ही रोते ही रहता है वो. तो उस पर अंकित गुप्ता का रिएक्शन आया है. अंकित गुप्ता का रिएक्शन ऐसा है कि अब बात करें चाहे उड़ारियाँ, जो कि उनसे पहले उन्होंने किया था, उड़ारियाँ में भी जो कैरेक्टर था इनका अंकित गुप्ता का, वो कैरेक्टर ऐसा था जिसमें कि ज़्यादातर वो रोते ही रहते थे, मतलब ज़्यादातर उनके साथ इमोशनल और सेंटिमेंटल जो डिसबैलेंसेस होते रहते थे, हमेशा वही शोकेश किया जाता था शो के अंदर. और अभी फिर वापस जुनूनियत में भी वैसा ही कुछ सेम सीन रहा है. तो शायद लोगों को उनका रोना पसंद आ रहा है और इसीलिए लोग और चाहते हैं कि वो रोते रहें और उनको रुलाते रहते हैं, ऐसा कुछ कहना था अंकित गुप्ता का उनके कैरेक्टर को लेके. तो खैर आपका क्या कुछ कहना है अभी इस वक्त जुनूनियत में, जिस हिसाब का कैरेक्टर चल रहा है अंकित गुप्ता का जहान का, आपको कैसे लगता है जहान, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना बिल्कुल ना भूलिएगा. साथ ही ऐसी और भी इंटरटेनिंग खबरों को देखते और सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मी स्टारलेट एंटरटेनमेंट को.